गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और इस बार फिर से लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक मीशो हॉल, जिसमें रहेंगी मीशो की ज्वेलरी होगी, स्लिंग बैग हो गई, ये सब कुछ आपको इस हॉल में मिलने वाले हैं। ये कुछ इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे हुए हैं। इनमें से जो है ना कुछ प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुकी हूँ, बट कई थोड़े से जो प्रोडक्ट हैं वो मैं आपके सामने ही अनबॉक्स करूंगी। इसमें जो है बैग मैंने अभी तक बिल्कुल ओपन ही किया है, तो अभी मैं वन बाय वन जो है ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसे मुझे ये बैग जो है रिसीव हुए हैं मीशो से। तो चलिए गाइस ओपन करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट को। और तो गाइस इस तरह से मुझे कुछ स्लिंग बैग रिसीव हुआ है। कलर इसका ब्लू है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मुझे जो प्राइस पड़ा है ना इसका, वो 313 रुपये का पड़ा है, बट अभी ये कम भी शो रहा है, शायद 300 से नीचे है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से इसका जो है, ये आपको ये हैंड बैग पूरा स्लिंग बैग मिलने वाला है। और अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये अंदर से ना आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये पूरा इसके पार्टीशन दिया हुआ है, बीच में जो है इसके जो एक पॉकेट है, ये पूरी इसकी जिप हुई है। जिप की क्वालिटी भी अच्छी है और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। अंदर से फिनिशिंग आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। और इसका जो ये आप कैरी करने के लिए जो ये पूरी दी हुई है ना डोरी, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो पैटर्न है गोल्डन, ये भी इसके साथ काफ़ी अच्छा जा रहा है और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। मतलब 300 रुपये का बैग है, 298 अभी शो रहा है इसका प्राइस, तो मुझे लगता है उसी हिसाब से काफ़ी अच्छा स्लिंग बैग है ये। और इसमें जो है ना आपको डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे, येलो, मैरून, वाइट, ये सारे कलर्स जो हैं इस बैग में अवेलेबल हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊं, तो इस तरह से ये पूरा मिलने वाला है। आप चाहे इसको ऐसे कैरी कीजिए या फिर आप इसको जो है ना पूरा भी सिंगल भी कैरी कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इतनी होगी और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये बैग तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अब अनबॉक्स करते हैं नेक्स्ट बैग को। तो ये इस तरह से मुझे कुछ पैक रिसीव हुआ है, इसमें दो बैग हैं देखने से पता चल रहा है। तो चलिए जल्दी से इसको भी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि कौन से स्लिंग बैग इसमें आए हुए हैं। ये रहा फर्स्ट वन, रहा सेकंड वन। ठीक है, तो पहले हम जो है एक को ओपन करते हैं। तो इस तरह से इसकी कुछ पैकिंग हुई है, पैकिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। और अब मैं इसको ओपन करूँ। बैग है 315 रुपये का जो मुझे पड़ा था, तो मैं भी आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये रिसीव हुआ है। तो इसकी पैकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, ये आप देख रहे होंगे इस तरह से ये पूरा पैक होके आया है। और इसकी क्वालिटी, ओ माई गॉड, ये सच में मीशो के प्रोडक्ट हैं यार। मतलब मीशो में इतनी अच्छी चीज़ें इतनी सस्ती रेंज में मिल रही है ना, मतलब बहुत अच्छा है। देखिए ये हैंड बैग कुछ इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं आप इसको, अगर आपने हाथ में कैरी करना है तो ये बैग देखेंगे आप, ये पूरा इस तरह से मिलने वाला है। और इसको जो है यहाँ से ओपन करते हैं और ये अंदर इसके बेल्ट दी हुई है जो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। और वही अंदर जो सामान फिल किया होता है इसको तो पहले निकाल देते हैं हम। तो गाइज ये आप देख रहे होंगे अंदर से ही इसमें भी पार्टीशन दिया हुआ है, बीच में इसके जो है आपको एक पॉकेट मिलने वाली है और काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें, तो आपका काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सेसरी सामान वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और जिप की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी मतलब अच्छी है जिप, ऐसी नहीं है क्वालिटी बेकार है। और इस बैग में ना एक बाहर भी आपको ये पॉकेट मिलेगी, जो ये वाइट वाला पैटर्न है ना इसके साथ यहाँ पे पॉकेट मिलेगी, और ये ऐसे इस तरह से आपको मिलने वाला है। तो ये आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी लेंथ है इस बेल्ट की और ये पूरा बैग इस तरह से मिलने वाला है, काफ़ी सुंदर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप इस प्रोडक्ट के साथ भी डेफिनेटली जा सकते हैं। और अब अनबॉक्स करते हैं नेक्स्ट बैग को। तो इसके पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है और ये भी काफ़ी अच्छा है यार। ये देखिए पिंक कलर में मुझे तो अच्छा लग रहा है, इसमें ब्लैक कलर का ये बटन के साथ दिया हुआ है, इसको ऐसे ओपन करो और सेम वही इसका जो है हैंडल है जिसमें आपको गोल्डन तरह की ये जो है आपको डोर मिलने वाली है इसकी कैरी करने के लिए। और अब इसको जल्दी से अंदर से दिखाती हूँ आपको, तो अंदर सामान इतना भर होता है ना, भर करते रहते।
तो गाइज इसका जो है ना, मैं आपको स्पेस दिखाऊं तो इतना इतना है मतलब, तो अच्छा स्पेस है इसमें भी, और इसमें भी वही सेम पैटर्न है, अंदर एक जिप लगी हुई है, जिप वाली पॉकेट है, और आपको इस तरह से ये पूरा बैग मिलने वाला है। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, मुझे मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा, और जो इसका पैटर्न है ना, आपको कुछ ऐसे स्टैंडिंग मतलब ये बैग मिलने वाला है, स्लिंग बैग, और ये इसकी पूरी डोरी है, और इसका लंबा करके आपको इतनी लेंथ इसकी मिल जाएगी, जैसे कि आप देख रहे होंगे गोल्डन पैटर्न है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है चेन की, ये जो आप चेन देख रहे हैं ना, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये पूरा इस तरह से आपको बैग मिलने वाला है। मुझे ये प्रोडक्ट भी काफी अच्छा लगा, तो आप इस प्रोडक्ट के साथ ही डेफिनेटली जा सकते हैं। तो चलिए अब अनबॉक्स करते हैं नेक्स्ट बैग को। तो ये इस तरह से कुछ बैग है, गोल्डन कलर में मैंने ऑर्डर किया था, सेम ही प्रोडक्ट है। तो इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से आपको मिलेगी, तो इसको आप जल्दी से ओपन करते हैं। ये प्रोडक्ट जैसे मैंने ऑर्डर किया था ना, जिस पैटर्न में, सेम वैसे ही डिलीवर हुआ है। ये देखिए गोल्डन कलर का, और ये न्यूली वेड गर्ल्स के लिए, मतलब जो भी मैरिड होती हैं वुमन, उनके लिए बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका पैटर्न, आप देख रहे होंगे ना, बहुत ही अच्छा प्यारा सा है, गोल्डन कुछ इस तरह से ये मिलेगा। और ये आप इसकी स्लिंग देख सकते हो, इस तरह से आपको ये पूरी चेन मिलने वाली है। ये इसमें ये वाला पैटर्न है, साथ में यहाँ से ये बेल्ट दी हुई है, तो पूरी ये चेन ऐसे मिलेगी। और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है इस बैग की, और इसमें जो है ना पैटर्न डिफरेंट है। जो मैंने पहले बैग्स आपको दिखाए उसमें सिंगल चेन थी ना, इसमें आपको दो मिलेंगी, आप ये देख रहे होंगे इस तरह से, फर्स्ट इस तरह से सेकंड। तो इसके अंदर लाइट वेट है, काफ़ी लाइट वेट बैग है, तो आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बैग। और अगर आपने इसमें दो पार्टीशन है, दो जिप है ना, तो आगे स्पेस भी अच्छा है काफ़ी इसका, और इस तरह से ये पूरा बैग मिलेगा। तो मुझे ये वाला बैग भी काफ़ी अच्छा लगा, तो आप इस प्रोडक्ट के साथ भी डेफिनेटली जा सकते हैं। तो गाइज जो नेक्स्ट आइटम्स है ना, वो स्लिंग बैग नहीं है, स्लिंग बैग मैंने आपको दिखा दिए जितने मैंने ऑर्डर किए थे, वो है अब मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ज्वेलरी, और ये मैंने इयररिंग्स वगैरह ऑर्डर किए थे। तो अभी मैं आपको आपके सामने इनको अनबॉक्स करती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे रिसीव हुए हैं। तो पहला बॉक्स जो पैकेट है वो ये रहा, इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ये चेरी वाले मैंने इयररिंग्स ऑर्डर किए थे, ये वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं भी आपको दिखा दूँगी कैसे रिसीव हुए हैं। इस तरह से ये इसकी डब्बी है, इसमें टेप लगाई हुई है ऊपर। तो ये देखिए आप, ये बहुत क्यूट हैं चेरी वाले, और सच में ये चेरी लग रही है, ये आप देख रहे हैं इस तरह से। अगर मैं पास से दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरह से मतलब पूरे ये लग रहे हैं इयररिंग्स, और काफ़ी अच्छे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए, और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। तो जब आपने ओपन करना है ना पहनने के लिए, तो मैं बता दूं कि कैसे करना है। आपने बस इस वायर को थोड़ा पुल करना है, खींचना है, और ये ओपन होगी चेरी। तो उसके बाद आप इसको अपने ईयर में डालिए, और उसके बाद जो है इसको दोबारा से इसको वापस लगा दीजिए, तो ये जो है पूरा एक तरह से लग जाएगा, बंद हो जाएगा, ये देखिए। तो आप इसको ऐसे वेयर कर सकते हैं, तो मैं भी आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। गाइज ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, ये ना कुछ आपको फिर ये जो है ना, इसकी वायर इसके अंदर डाल देनी है चेरी के अंदर अंदर, और ये पूरा जो है आपका मतलब रेडी है। तो इस तरह के लिए आप इस प्रोडक्ट के साथ भी जा सकते हैं, और रेंज भी काफ़ी अच्छी है इस प्रोडक्ट की, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे हैं। ठीक है गाइज, बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, और नेक्स्ट प्रोडक्ट भी ये मैंने इयर रिंग ही ऑर्डर किए थे, तो अभी ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या आया है। तो इसमें जो है ना पर्ल वाले इयर रिंग्स ऑर्डर किए थे, तो मैं भी आपको दिखा दूँ ओपन करके। तो इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से आपको रिसीव होगी, और ये है इसका पैकेट। तो ये जो है ना, इसमें आपको जो है पूरा पर्ल मिलने वाले हैं, दो इसमें पर्ल हैं, और ये बटरफ्लाई वाला जो है डिज़ाइन है, इसमें जर्कन दिया हुआ है। तो मैं भी आपको वियर करके दिखाती हूँ एक इयर रिंग। तो गाइज ये इस तरह से आपको पूरा इयर रिंग मिलेगा, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपने सिंपल ही पहनना है, आपने इसके साथ नहीं कैरी करना है इसको, तो आप क्या करिए, ये वाले को अलग कर दीजिए। तो देखिए दोनों पार्ट ना अलग भी हो जाएंगे, तो आप इसको सिंगल सिंगल भी कैरी कर सकते हैं, या खाली इसको कैरी के लिए या इसको कर लीजिए, या फिर दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो आप ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। तो गाइज ये वाला प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे इयर रिंग्स, तो आप इसके साथ भी डेफिनेटली जा सकते हैं। और बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट था ना, वो मैंने अनबॉक्स कर दिया है, और मैंने यूज़ भी कर लिया है, तो मैं अभी आपको दिखा दूँ। बट ये बहुत अच्छा है, 100 रुपीज़ में मैंने ये ब्रेसलेट ऑर्डर किया था, तो मैं भी आपको दिखाऊँ। तो इस तरह से ये मुझे कुछ इसी बॉक्स में रिसीव हुआ था, अमेरिकन डायमंड वाला ब्रेसलेट, इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो इस तरह से आपको ये इसमें कुछ पर्ल्स मिलने वाले हैं,
पर्ल नहीं बोल सकते, ये पूरा नग मिलेंगे पिंक कलर के, ये आप देख रहे होंगे, और ये पूरे पांच हैं, और ये पूरा इसमें जो है आपको जर्कन मिलेगा साथ में, और इसका एडजस्ट करने के लिए आपको जो है नॉब दी गई है, तो ये आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाथ के साइज के अकॉर्डिंग, तो ये आपको जो है बहुत ही अच्छा फिट भी आ जाएगा और एडजस्टेबल है। तो आप इस प्रोडक्ट्स के साथ तो डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और रेंज अफोर्डेबल है। 100 रुपीज़ में आपको एक ब्रेसलेट मिलेगा, बहुत ही सिंपल और सोबर ये ब्रेसलेट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने काफ़ी वीडियोज़ में भी यूज़ किया है। तो आपने अगर परचेज करना है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की। गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो भी इयररिंग्स हैं, और इसमें जो है ना 9 कॉम्बो सेट मुझे रिसीव हुए हैं, कोरियन इयररिंग सेट है ये। तो इस तरह से ये कुछ बॉक्स में रिसीव हुआ था, और ये मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है, एक तो मैंने यूज़ भी किए हैं और ये पहले ही मुझे रिसीव हो गए थे, तो मैं अभी आपको दिखा दूँ। इस तरह से आपको ये पूरे इयररिंग सेट मिलने वाले हैं, तो इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के मिलेंगे, जैसे पर्ल में हो गया, फिर आप गोल्डन हो गया, नीचे पर्ल लटक रहे हैं, यानी सिंपल से अगर आपने कोका स्टाइल लेना है तो वो भी इसमें है, ये सिंपल छोटे छोटे पर्ल्स वाले इयररिंग्स हैं इस तरह से हैं, और एक और भी है मेरे पास जो मैंने यूज़ भी किया था, मैं भी आपको दिखा दूँ वाले, तो ये वाले इयररिंग्स भी इसी के हैं, तो ये आप देख रहे होंगे इस तरह से आपको ये वाले इयररिंग्स भी इसमें मिलेंगे, तो ये भी काफ़ी ट्रेंड में हैं, अच्छे लगते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ अगर आपने वियर करने है ना, तो काफ़ी अच्छे मतलब इयररिंग्स हैं, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या फिर ऑफिस के लिए अगर आपको ऐसे ऐसे इयररिंग्स चाहिए, कलेक्शन चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के साथ भी जा सकते हैं, आप आसे देख लिए। और इसमें जो है ना एक नग वाली इयररिंग भी है, तो वही सिंपल जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, ये वाले ऐसे, इसमें ना आधे ना जो पीछे के होते हैं ना वो निकल गए हैं, इसलिए अलग हो गए हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ फिर भी। तो इस तरह से आपको ये पर्ल वाला भी मिल जाएगा, और सिंपल जो जर्कन इयररिंग वो होते हैं ना कोका, वो भी मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट मतलब छोटे छोटे स्टड जो हैं आपको इसमें मिलने वाले हैं, इस तरह से पूरा पैटर्न रहेगा इयररिंग्स का। परचेज़ करना है तो इस प्रोडक्ट के साथ भी आप डेफिनेटली जा सकते हैं। और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है मीशो का है, तो ये जो है ना मैंने ज्वेलरी बॉक्स ऑर्डर किया था, बट जब मैंने वीडियो में देखा था तो मुझे लगा बहुत बड़ा होगा या फोटोज़ में, बट ये छोटा सा है, बट इसकी क्वालिटी की अगर बात करूँ ना, इतना अच्छा ये क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है या फिर छोटे मोटे फंक्शन के लिए कहीं जाना है, तो उसमें आप अपनी ज्वेलरी जो है कैरी कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये पूरा बॉक्स मिलेगा, जिप भी इसकी मतलब काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, पिंक कलर में, मैंने पीच कलर में है ये, तो मैंने इसी में ऑर्डर किया था और इसी में रिसीव हुआ है, इसी कलर में। तो अभी मैं इसकी जिप आपको ओपन करके दिखाऊँ, तो इस तरह से आपको ये पूरा मिलने वाला है ये ऐसे, और मैंने यहाँ पर अपनी ज्वेलरी भी रखी हुई है, तो ये बीच में जो है ना डिवाइड करने के लिए क्रॉस मिलेगा, आप ऐसे डिवाइड करने के लिए क्रॉस लगा सकते हैं एक सेक्शन में। और ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी ज्वेलरी रखी हुई है, यहाँ एयर आप अपने इयर रिंग्स रखी है या फिर रिंग्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से इतने आपको सेक्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे आप एक छोटी सी पॉकेट दी हुई है, यहाँ पे अपनी चेन वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप इस प्रोडक्ट के साथ भी डेफिनेटली जा सकते हैं। तो गाइज़ ये थे मीशो हॉल, जिसमें मैंने आपको स्लिंग बैग दिखाई, ज्वेलरी दिखाई, कोरियन टाइप होगी, थोड़े बहुत इयररिंग्स हो गए। तो आई होप आपको ये सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे हों, और अगर आपको प्रोडक्ट के लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो भी मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। और इंस्टा पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके बाय बाय, टेक केयर।